आज हम बनाने जा रहे हैं कलकत्ता स्टाइल चिली चिकन। ये बोनलेस आधा किलो चिकन के पीसेस और हमने थाई पीसेस लिए हैं। बोनलेस है, आप बोन के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अंडा, उसे फोड़ते हैं और हमें डालना है एक वाइट, ये काफ़ी है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और काली मिर्च को सबसे पहले रोस्ट करके ब्रॉयल करके अच्छे से उसका पाउडर बना लेना चाहिए, उसे मिलाएंगे। कलकत्ता की इस रेसिपी में जाएगा आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, स्वाद अनुसार नमक। अब हम मिलाएंगे आधा चम्मच डार्क सोया सॉस और चाइनीज वाइन, ये मिल जाता है मार्केट में, और ये हम डाल रहे हैं एक चम्मच। अब हम डालेंगे एक चुटकी सोडा, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मैरिनेट करते हैं। 10 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, आगे की तैयारी चालू करते हैं। अब हम ले रहे हैं चाइनीज ओक, डालेंगे तेल, तेल को गर्म होने देते हैं। ठीक है, जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम एक बाउल में लेंगे कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और मिला रहे मैदा, मैदा हम लेंगे 2.5, साथ में स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। सो यहाँ पे हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल डायरेक्ट चिकन में डाल नहीं रहे, मैरिनेशन में हम इसकी डस्टिंग करेंगे। तेल हमारा गर्म है, अब हमें चिकन जिसे हमने मैरिनेट किया है उसे इसमें डालना है। चलिए, ये भी टेक्निक काफ़ी प्यारी है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में करते हैं इसे। स्ट्रीट फूड में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाता है मैदा और कॉर्नफ्लोर को चिकन के साथ, इस तरीके से क्रिस्पीनेस ज़्यादा अच्छा, अच्छे तरीके से हमें मिलाना है, और इस तरीके से आप अच्छे से कोटिंग कर लें और हाथ से दबा लें, और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी तरीके से हमें सारे चिकन कर लेने हैं। अच्छे तरीके से चिकन को वापस से हाथ से दबा के हमें तेल में छोड़ना है। इस टेक्निक से चिकन बहुत क्रिस्पी बन के निकलेगा, और यही खूबी होती है, और यही खूबी होती है कि हर एक रेस्टोरेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, सबकी रेसिपीज अलग होती है। चला लेंगे और अच्छे तरीके से हमें पकाना है, चिकन पूरा क्रिस्पी हो जाए तब तक। आवाज नहीं, चिकन हमारा हाफ डन हो गया है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हम निकाल रहे हैं सेपरेटेड ट्रे में, तेल गर्म हो गया है, हम चिकन को फुल डन कर लेंगे। गिर गया, और चिकन हमारा फुल डन हो गया है, और चिकन हमारा फुल डन हो गया है, इसे बाहर निकाल लेंगे। और सेम ओक में मैं ले रहा हूँ सेम तेल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। तेल में हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च, उसे तोड़ के, चॉप गार्लिक 2 चम्मच है, चॉप जिंजर 1.5 चम्मच, ग्रीन चिली इसे हमने थोड़ा डायगोनली काटा है, भुनेंगे। बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है। प्याज और साथ में कैप्सिकम चलाएंगे। चिकन फ्राई हो गया, इससे पहले हम चिली चिकन बनाएं, हम बनाते हैं एक सॉस। हम ले रहे हैं डार्क सोया और ये आधा चम्मच, लाइट सोया सॉस ये 1 चम्मच, विनेगर और विनेगर 1.5 चम्मच है, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस ये आधा चम्मच है, चाइनीज वाइन 1 चम्मच, टोमेटो केचप और ये हम डालेंगे 2.5 चम्मच, एरोमेट मार्केट में मिल जाता है ये चम्मच है, और एरोमेट वेज नॉन वेज दोनों मिलता है,
यहाँ पे हमने नॉनवेज डाला, सॉस को अच्छे से हम चला लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और काली मिर्च को फ्रेश बनाइएगा, अच्छे से रोस्ट करके उसको पाउंड कर लेना। चलिए हमारी सॉस बनके तैयार है, बनाते हैं चिली चिकन। सौते करेंगे और मिलाएंगे सॉस जो हमने अभी बनाया, भुनेंगे। अब कॉर्नफ्लोर में पानी मिलाएंगे और थोड़ा थिकनिंग एजेंट के तौर पे इसे मिलाएंगे, और ये हम ले रहे हैं 2 चम्मच। सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है और अब हम मिला देंगे चिकन, और अब हमें अच्छे से टॉस करनी है। चिली चिकन कलकत्ता स्टाइल बनके तैयार है, चलिए प्लेटिंग करते हैं। सर्व करते हैं चिली चिकन। देसी स्टाइल चिकन चिली है और हम इसे मिंट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही पॉपुलर डिश बना के दिखाई है चिली चिकन। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।